हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहां पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज़ में फॉक्स स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को
81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी, या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में, कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में, कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फॉक्स स्टार स्टूडियोज, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहां और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहां पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे।
बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर,
मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज की प्रोडक्शन कंपनीज में फॉक्स स्टार स्टूडियोज, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहां और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी,
ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फॉक्स स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या JustWatch के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को
कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज़ में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए।
उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फॉक्सटार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्सटार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहां और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर देख बैठ, आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर
हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टार कास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को
81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में, कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में, कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज़ में फॉक्स स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे।
बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर
मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फॉक्स स्टार स्टूडियोज, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहां और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी,
ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहां और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहां पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी
और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज़ में फॉक्स स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या JustWatch के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है
और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज़ में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे।
तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को
81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में, कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टार कास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में, कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे।
बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या JustWatch के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर
मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फॉक्स स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी,
ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक्स स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी
और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहां और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स
कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज़ में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ,
तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक्स स्टार स्टूडियोज, अजय देवगन एफएफ फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को
81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी, या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है, और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जनर के बारे में, कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टार कास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टार कास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में, कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में, कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे।
बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर
मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फॉक्स स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2 out of 10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या JustWatch के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी,
ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टार कास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज़ में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में, तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को Hotstar प्लस Disney प्लस Hotstar के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पर आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जेनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी
और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फॉक्स स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहां और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही प्यारी फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो ये किस तरह की फ़िल्म बनाई गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, मूवी का जेनर क्या था, स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया गया है
और इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक लाजमी से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं साल 2019 में रिलीज़ होने वाली एक बहुत ही कमाल की फिल्म टोटल धमाल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के जनर के बारे में कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। मीन्स एक्शन होगा, क्राइम होगा, ड्रामा होगा, थ्रिल होगा, कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, आप लोगों को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। तो टोटल धमाल मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी और एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये कॉमेडी और एडवेंचर बेस्ड मूवी बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि मूवी को डायरेक्ट किसने किया था। तो इंद्र कुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले की बात करें तो वेद प्रकाश, परितोष पेंटर और बंटी राठौर इस मूवी की स्क्रीन प्ले को संभालने वाले थे। बात करें मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में तो इंद्र कुमार मूवी की स्टोरी लाइन को संभालने वाले थे। प्रोड्यूसर की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अजय देवगन, अशोक ठकीरिया, इंद्र कुमार, मरकंद अधिकारी और आनंद पंडित ने। स्टारकास्ट की बात करते हैं कि मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो मूवी की स्टारकास्ट के अंदर आप लोगों को अनिल कपूर, अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन ईरानी, ईशा गुप्ता, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा, पिताभश त्रिपाठी, सोनाक्षी सिन्हा, उसी के साथ साथ बहुत सारी अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर जो हैं वो इस मूवी की स्टारकास्ट में शामिल हैं। तो अब बात करते हैं मूवी की सिनेमाटोग्राफी के बारे में कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी को किसने संभाला था। तो केको नखारा ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभाला था। एडिटिंग की बात करें तो धर्मेंद्र शर्मा मूवी की एडिटिंग को संभालने वाले थे। अब बात करें मूवी के म्यूज़िक, मूवी के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में कि इन सब चीज़ों को किन किन लोगों ने संभाला था। तो सबसे पहले सॉन्ग्स की बात करें तो गौरव रोशन ने मूवी के सॉन्ग्स को संभाला था। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो संदीप शिरोदकर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को संभालने वाले थे। अब बात करते हैं मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज शामिल हैं। तो मूवीज़ की प्रोडक्शन कंपनीज में फोक स्टार स्टूडियोज़, अजय देवगन FF फिल्म्स, मारुति इंटरनेशनल, श्री अधिकारी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स, पेन इंडिया लिमिटेड और मंगल मिरुति मूर्ति फिल्म्स शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ ने। अब बात करते हैं कि मूवी कब, कहाँ और किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। तो मूवी 22 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ की गई थी। ये मूवी करीबी सिनेमाघरों में लग चुकी थी, वहाँ पर मूवी को आप लोग जाकर देख पा रहे थे। बात करते हैं मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी है। तो इस मूवी की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे और 10 मिनट के राउंड अबाउट है, जो कि एक एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन बनाई गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के टोटल बजट के बारे में कि इस मूवी का टोटल बजट कितना था और बॉक्स ऑफिस कितना कलेक्ट किया। तो मूवी का टोटल बजट 90 से 100 करोड़ के करीब था और बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 228 करोड़ कलेक्ट किया, जिसके साथ ये एक हिट मूवी साबित रही। अब बात करते हैं कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो सबसे पहले गूगल यूज़र की बात करते हैं कि गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल यूज़र की जानब से इस मूवी को 81% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज थी। दूसरी तरफ जानब हम बात करें IMDb के बारे में तो IMDb के ऊपर इस मूवी को 4.2/10 की रेटिंग प्रोवाइड की गई, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो IMDb की रेटिंग थी। अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं कि ये मूवी आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जी नहीं, YouTube पर तो ये मूवी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये आप लोगों को हॉटस्टार प्लस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी या जस्ट वॉच के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग वहां पर देख बैठ, आप लोग अपने घर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक मरतबा मूवी को लाजमी से देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर
हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।